तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम तक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएल के जो है फ्रेंड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। फ्रेंड वैकेंसी कब आई थी, उसके अलावा जो है यहाँ पर कितने लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था, इसके अलावा जो है फ्रेंड कितने लोगों ने परीक्षा छोड़ी और कितने लोगों ने यहाँ पर परीक्षा दी है। फ्रेंड तो चलिए सब कुछ बताते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड वैकेंसी कब आई थी, 17 फरवरी 2018 को यहाँ पर वैकेंसी आई थी और यहाँ पर 21 फरवरी 2018 से जो है ये फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होना शुरू हो गया था। फ्रेंड और यहाँ पर जो है एप्लीकेशन की लास्ट डेट आप जान रहे होंगे 13 मार्च 2018 थी। इसके अलावा फ्रेंड बात करें यहाँ पर परीक्षा जो हुई थी 24 और 25 जनवरी की आपकी परीक्षा कम्प्लीट हो गई थी। फ्रेंड और फ्रेंड बात करते हैं यहाँ पर टोटल एप्लीकेशन जो आए थे यहाँ पर इस एग्ज़ाम में, वो 70,000+ स्टूडेंट ने यहाँ पर अप्लाई किया था, जिसमें जो है एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट बैठे, सिर्फ जो है 5500 स्टूडेंट यहाँ पर टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट थे। फ्रेंड यहाँ पर टोटल यहाँ पर स्टूडेंट जो एब्सेंट थे, ये एब्सेंट थे 15,000+ स्टूडेंट यहाँ पर एब्सेंट थे। क्यों एब्सेंट थे यहाँ पर फ्रेंड, उस समय जो है आरपीएफ का पेपर स्टार्ट चल रहा था। फ्रेंड आरपीएफ का पेपर अब भी हो रहा है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम भी था। तो आप सोच रहे हैं एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम जो है 23 जनवरी को ख़त्म हो गया था, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट का जो है एग्ज़ाम सेंटर जो है दूर होने के कारण जो है वो लोग इस परीक्षा में जो है शामिल नहीं हो सके, इसीलिए जो है यहाँ पर जो है टोटल स्टूडेंट की संख्या जो है काफ़ी बढ़ गई। और फ्रेंड बात करते हैं यहाँ पर नॉट क्वालिफाई इन पार्टी, तो फ्रेंड कुछ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर जो है कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। लगभग कई सारे स्टूडेंट का यहाँ पर कमेंट देखने के बाद मुझे पता चला यहाँ पर फ्रेंड कई सारे स्टूडेंट जो है 16 से 15 से 16 नंबर तक ही पाए हैं, जिसके कारण जो है फ्रेंड और कई सारे स्टूडेंट जो है काफ़ी अच्छा स्कोर भी किए हैं यहाँ पर, 25+ कंप्यूटर में स्कोर किए हैं, तो उनके लिए जो है बहुत ही खुशखबरी की बात है। फ्रेंड यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर चुके हैं। फ्रेंड तो यहाँ पर कुल मिलाकर फ्रेंड जो मेरिट बनेगी वो लगभग जो है यहाँ पर जो है 35,000+ स्टूडेंट की जो है मेरिट यहाँ पर डिसाइड हो गई। तो आप सब समझ सकते हैं कितने परसेंट यहाँ पर स्टूडेंट जो है कितने नंबर पाए होंगे। फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट यहाँ कितने राइट आंसर थे उनको भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो जो 70 से 80 क्वेश्चन करने वाले वो जिनका सही है वो कितने स्टूडेंट है, लगभग जो है इसके 8% लोग हैं यहाँ पर। फ्रेंड इसके अलावा बात करें 80 से 95% नंबर जिनका है वो 27% स्टूडेंट है, और 95 से 120 जिनका जो है नंबर है वो लगभग जो है 30% स्टूडेंट हैं। इसके अलावा बात करें फ्रेंड यहाँ पर जो है 120 से 140 नंबर पाने वाले लगभग जो है 15% स्टूडेंट है। 140+ जो है बहुत कम लोगों ने ही पाया है, तो 18% लगभग लोगों ने जो है इसका पा लिया है। फ्रेंड तो फ्रेंड आप समझ सकते हैं कितनी जो है इसकी मेरिट जा सकती है। और SC ST के यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको पता चलेगा फ्रेंड यहाँ पर मेरिट जो है लो और लो भी जा सकती है। फ्रेंड वो पेपर के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन जब हो जाएगा तो उसका जो है डिसाइड हो जाएगा। फ्रेंड उम्मीद है फ्रेंड आपको जो है सारी जानकारियाँ समझ में आ गई होंगी। फ्रेंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड तो फ्रेंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए और व्हाट्सएप नंबर से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वह सीमित लोगों के लिए है, तो व्हाट्सएप से अभी जुड़ जाइए। फ्रेंड तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।